हाय गाइस, दिस इज आनंद एंड मैं ये मेरा पहला जो है व्लॉग है आप सभी लोगों के लिए। व्लॉग इसलिए मैंने बनाना स्टार्ट किया क्योंकि एक डॉक्टर और एक पेशेंट का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी दिनों से बन रहा था हमारे इस चैनल पे। बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ बनाएं जिसमें आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, हमारे साथ लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जो चलता है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग में मानना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं अपनी लाइफ में, बट मैंने भी ऐसा फील किया है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हाँ, हम अपने लेवल पे सीरियस रहते हैं, ऑनेस्ट भी रहते हैं, बट इतने बोरिंग नहीं रहते जितना सभी लोग समझते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों ने मुझे इतनी खुशी दी, इतना सपोर्ट दिया, शायद इसके पहले अभी तक बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे इवेंट्स में गया, इतना सपोर्ट वगैरह नहीं मिला। क्योंकि लास्ट वीक मैं हो गया 28 का, मेरी मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट, और आप लोगों ने यानी कि 21 अप्रैल को आपने कंप्लीट कर दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद जो अंदर से कॉन्फिडेंस आया और जो मैंने एक अपनी प्री वेडिंग, वेडिंग और पोस्ट वेडिंग की कुछ फोटोज डाली, कुछ वीडियोज डाली, आप लोगों ने जितना उसे सपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं अब एक व्लॉग डालूंगा, वीकली व्लॉग रहेगा, यानी कि हफ्ते में एक व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैं डेट डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, अभी तक नहीं कर पाया मैंने कि कौन से डे पे ही डालूंगा, बट हाँ उम्मीद है कि आपको संडे को ही डाल पाऊंगा मैं, और या संडे को ही दिखाऊंगा या मंडे को दिखाऊंगा कि संडे तक की रिकॉर्डिंग करूंगा, और संडे की मतलब दिखाऊंगा कि हम कैसे लाइफ जीते हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरी लाइफ के बारे में, यानी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अपनी फैमिली के बारे में। तो चलिए आपको एक छोटा सा इंट्रो दिखाता हूँ। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है मेरी पूरी फैमिली, और इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो, ये है मैं, ये है सत्या, ये है मेरे फादर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये मेरी मदर है जो कि है एक हाउस वाइफ, और ये मेरा भाई है जो मेरे लिए पूरी तरीके से फ्रीलांसर का काम करता है। ऐसे इसकी एजुकेशन की बात करूँ तो इसने किया है LLB और BCom, यानी कि BCom LLB कर रहा है, इस समय लास्ट सेमेस्टर है, और ये मेरे लिए सारे काम करता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट डिजाइन करना हो या मेरे कुछ भी काम हो, सारे काम ये देखता है। और ये मेरी छोटी सी फैमिली है, और मेरी फैमिली में है दो छोटे मेंबर और उनके बारे में बताऊंगा आपको, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी अपने दो स्पेशल और छोटे छोटे फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो उसमें से ये है एक, मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर, यानी कि ऊपर, यानी कि मैं बताऊँ आपको तो मैं रहता हूँ अपने घर पे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके जो सन बोल सकते हैं जब सूरज निकलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसलिए मैंने अपने ऊपर अगर कमरा चूज़ किया। तो फैन को तो ऑन नहीं करते, लाइट ऑन कर लेते हैं। तो ये वॉल स्टिकर मैंने लगाया हुआ है, बताइएगा कैसा लगा आपको। तो ये है हमारा कमरा, यानी कि मेरा और सत्या का कैंप कमरा, और पीछे आपको देखने को मिलेगी ये है वॉल पेंट, और इसके साथ साथ इधर है मेरा एक छोटा सा कमरा जहाँ पर मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ या लाइव क्लिक जब भी लेके आता हूँ तो वहाँ से मैं आपको देता हूँ। तो ये छोटा सा हाउस टूर बोल लीजिए या रूम टूर बोल लीजिए, ये आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो उम्मीद करूँगा कि इसमें आपको अपने बारे में सब कुछ बता सकूं, अपने घर के बारे में, अपने बारे में। और जैसा कि मैं आपको पता ही हुआ कि मैं रहता हूँ इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद क्या बोल सकते हैं, एकदम सेंटर प्लेस है, यहाँ से सब कुछ पास पड़ता है, चाहे वो सिविल लाइंस हो, चौक हो, हाई कोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सब कुछ, तो मैं बहुत एकदम सेंटर पॉइंट पर रहता हूँ। और घर जो है हमारा वो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर आप बोल सकते हैं। तो चलिए आप छोटा सा लुक दिखाता हूँ अपनी छत का, जहाँ पर मैं बचपन से खेलते खेलते बड़ा हुआ हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बाहर से सीढ़ी गई है घर के लिए, जो ऊपर आती है इस टाइप से, वो कमरा अगर आप देखेंगे तो वो कमरा मेरा है, एक छोटा सा स्टूडियो वहाँ बना रखा है,
जो भी वीडियोस आती हैं कभी कभी जब मैं घर से आता हूँ तो मैं उसको वहाँ से बनाता हूँ। और फिर ये हमारी छत हो गई, फिलहाल अभी जो है सबका घर पर नहीं है, वो आश्रम के घर बाहर गई है। और मैंने जो है बैठा हुआ था, अचानक से मुझे मन किया कि मैं भी एक व्लॉग स्टार्ट करूं, तो मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया। मी भी हो सकता है जब वो वापस आए तो वो शॉक हो जाए या फिर वो मना कर दे तो मैं इस व्लॉग को न डालू या आइडिया कैंसिल कर दूँ। पर अगर उसने लाइक किया तो ये वीडियो आप देख सकेंगे। और ये वीडियो अभी तक मैंने सोचा था जिस तरीके से, उस हिसाब से मैंने सोचा हूँ कि मैं इसको मंडे को डालूंगा यानी कि सोमवार को, ताकि आपको पूरे वीक की जो है इस पर जानकारी मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, क्लिनिक भी ऑफ थी काफ़ी समय से, और उसके साथ मैंने काफ़ी कुछ इंजॉय किया था। आप लोग को एक वीडियो भी बना के दिया था मेन चैनल पर भी और इस चैनल पर भी, दोनों ही चैनल पर। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक चैनल से काम नहीं बनेगा, आप दोनों चैनल पर जाइए। दोनों चैनल की लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहाँ जाइए और उसे दोनों को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हूँ पूरी तरीके से रेडी और मैं जा रहा हूँ जहाँ लाइट जल रही है यहाँ पर, यानी कि ठीक मेरे घर के सामने हो रही है शादी, और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। तो चलिए चलता हूँ, मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं शादी में, यानी कि ये घर के सामने नहीं, ये इनकी जो है शादी कहीं और हो रही थी, वहाँ पर जा रहा है। तो चलते हैं वहाँ पर। शादी में और ये ट्रेडिशनल बंगाली शादी है, यानी कि सामने वाला जो घर है हमारा वो है बंगाली का, तो ये बंगाली अंकल रहते हैं, उनके यहाँ लड़की की शादी है, जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से जो ट्रेडिशन है पूरी तरीके से वो बंगला वाला है, यानी कि कोलकाता वाला है। और जो म्यूज़िक है वो हल्की सी जो ट्रेडिशनल बंगाली ट्यूनिंग होती है वो आपको सुनने को मिल सकती है, और बट अगर नहीं मिलेगी नहीं सुनाई देगी तो मैं फिर इसमें दूसरी म्यूज़िक भी लगा सकता हूँ। और जो सजावट है वो बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारी है, उम्मीद करूँगा कि आपको देखने को मिल जाए, तो मैं आपको एक बार क्विक लुक में भी यहाँ पर दिखा दूँगा। वॉइस आ रही है नहीं ये भी आप बात क्लियर करिएगा, क्योंकि ये माइक फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये ब्लॉग भी मैं फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ। गाइज वी आर एट संगम, जी हाँ मैं हूँ इस समय संगम में, और आज संडे का दिन है, थोड़ा सा इंजॉय करने का दिन है, क्लिनिक ऑफ है, पीछे देख ले सकता है घूम रही है, और रात के समय करीबन मेरे ख्याल से 8 या 8:30 के बीच हो रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, लाइटिंग इस वजह से है क्योंकि 2019 यानी कि नेक्स्ट ईयर पे यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है, इसलिए सरकार ने या गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कर चुकी है। और आप लाइटिंग देख सकते हैं पूरी लाइटिंग यहाँ पर है, और अगर इलाहाबाद के किले की बात करें तो मेरी जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको वो है इलाहाबाद का किला, और यहाँ पर जो हवा चल रही है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जो एक शांति का जो अनुभव जिसको बोल सकते हैं फील जो हो रहा है ना वो यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है। और आप यहाँ पर घंटों तक बैठ सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बहुत रिलैक्स सा फील होता है यहाँ पर बैठ।
मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, इतना शांति रहता है कि कुछ एक दो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बट यहाँ पर फिर भी आप घंटों तक यहाँ बैठ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आए थे करीबन 7 बजे के आसपास और काफ़ी देर से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। कैमरा लाया हुआ था, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर कुछ व्लॉगिंग कर लूँ, आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ अगर इलाहाबाद का, तो ये आप देख सकते हैं। और बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार कुंभ मेले में आने वाले हैं इलाहाबाद, नहाने वाले हैं संगम में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपको दिखा भी सकता हूँ, संगम की जो पानी की जो लहरों की जो हल्की सी आवाज़ होती है ना, वो कानों में बहुत अच्छी आती है और बहुत ही सुकून सा जो है यहाँ पर फील होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रात का समय है, इसलिए सभी नाव जो है वो किनारे पर आकर लगी हैं। अगर ये दिन का समय होता तो ये सारी नाव भी आपको गंगा नदी पर तैरती हुई दिखाई देती और इसमें सभी लोग बैठकर गंगा नदी का सैर करते, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है क्योंकि सभी नाव भी साइड में रखी हुई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ संगम में और काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं जो हवाएं चल रही ना वो काफ़ी ठंडी और काफ़ी मीठी है। अगर आप लोग को हवा की आवाज़ आ रही होगी तो आप लोग फील कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि यह किला है इलाहाबाद का और यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्लोगन जो है हमेशा दिखाई लगेगा, वो है गंगा दर्शनी गंगा स्नान। इट मीन्स कि गंगा में कूड़ा मत फेंकिए, अगर आपने उसकी सफाई भी कर ली ना गंगा की तो भी आप गंगा स्नान कर चुके हैं, तो प्लीज़ गंगा या किसी भी और नदी को दूषित बिल्कुल ही मत करिए। तो फ्रेंड्स ये अक्षयवट मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ प्रवेश द्वार, श्री अक्षयवट मंदिर पातालपुरी किला प्रयाग इलाहाबाद। तो इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है कह सकते हैं आप उसे, जिसका नाम अक्षय वट है और छोटे छोटे से भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई हैं। और पातालपुरी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आपको उतर कर जाना पड़ता है, बेसमेंट टाइप एक है और वहां पर मंदिर बना हुआ है और एक बड़ा सा पेड़ है जिसे अक्षय वट कहते हैं और उसके चारों तरफ भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं। तो ये एक अक्षय वट मंदिर है और आप जब इलाहाबाद आइएगा तो इस मंदिर में भी जरूर आइएगा। तो गाइस अब हम आ गए हैं संगम से थोड़ी दूरी पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान मंदिर, इन्हें बहुत फेमस है। जब भी संगम में बाढ़ आती है, जब भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ तक जो है पानी आता है और ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी के पैर छुके पूरा पानी वापस चला जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ इस मंदिर की, तो आप सभी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम वापस जा रहे हैं रास्ते यानी कि घर पे, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ बिता लिया है और करीब करीब रात के यहाँ पर 9 बज रहे हैं और आज संडे था, आज हॉलीडे था यानी कि क्लिनिक की ऑफ थी। क्योंकि अगर अब तक जब तक आपका मन शांत न रहे, कुछ न रहे, तब तक काम करने भी उतना मज़ा नहीं आता है। तो आज हमने संडे को इन्जॉय किया संगम में, क्योंकि संगम बहुत ही सुकून देता है मन को। तो चलिए आप भी जब कभी इलाहाबाद आए तो संगम फेमस ही है इलाहाबाद के लिए, तो जरूर आइएगा और इवनिंग टाइम थोड़ा आने की कोशिश करिएगा क्योंकि आफ्टरनून में तो काफी ज्यादा धूप होती है, या मॉर्निंग या इवनिंग में आइए, काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। सो गाइस फाइनली वी आर एट होम यानी कि हम लोग घर में आ चुके हैं
और ये पूरा हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों के साथ। मैंने ये पहला ब्लॉग स्टार्ट किया, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।